नमस्कार, बहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश वड़ियार और इस समय हम उधमपुर जिला हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार उधमपुर जिले में बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कल खुद डिप्टी कमिश्नर उधमपुर इंदु कनवल चिप बाजार का दौरा करके लोगों को सख्त हिदायत दी कि कोरोना की SOP का पालन करें। कोई भी कोरोना की SOP का उल्लंघन करता पाया गया तो उससे कड़ी कार्रवाई होगी। इस समय हम उधमपुर जिला हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट जिला हॉस्पिटल उधमपुर। उनसे जानेंगे क्या क्या खास इंतजाम जो हैं किए गए हैं कोरोना वायरस के मरीजों के लिए। अच्छा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 8 ICU बेड्स तैयार रखे हैं। जैसे कि बेड्स हैं, साथ में इनके वेंटिलेटर लगे हैं, तो ये साथ साथ में हमने इनको ट्रांसमिशन पंप्स हैं, कार्डिक मोनिटर्स देख सकते हैं आप। ये 4 इस कमरे में जिसमें NSDL स्टेशन भी लगा हुआ है, और साथ में ऐसे ही हमने 4 बेड ऐसे, तो ऐसे ही पैटर्न पर दूसरी जगह पर भी हमने जो कोविड कॉम्प्लेक्स है हर बेड के साथ वेंटिलेटर फिट किए हुए हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये आएगा, ये हमारा ऑप्शन पॉइंट है जी, और ये वाला ऑप्शन पॉइंट है, इसमें हम वो लगा पेशेंट को डायरेक्टली हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा, अगर कभी भी ऐसी बात आएगी, हमें सिलेंडर नहीं लगवाने हैं, हमें इसमें हमारा वो कनेक्टर लगाना है, वारंटी मास्क लगाना है, इसको ऑन करना है, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली उसको। इधर भी बेड लगा दें, कुछ और चेक किए गए, चलो आओ मेरे साथ। सर, जैसा कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, आपको चरम सीमा पर पहुंचने वाला है, जैसे अभी बता रहे थे मैडम कि 3.2 की रेशो बन गई है उधमपुर में, अगर हम बात करें जाएंगे तो बहुत बड़ी रेशो है, उसको चलते उधमपुर में कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या इंतज़ाम जो स्वास्थ्य विभाग के हैं ये बताएंगे सर। सर, सो फार एज जैसे आप बता रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ ही रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही है। जैसे हमारे नेशनल फिगर्स बढ़ रहे हैं, इसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी बढ़ रहे हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर सबसे जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती ट्रीटमेंट के लिए वो है ऑक्सीजन। सो हमारे पास यहाँ मनीफोल्ड के थ्रू कम से कम 150 बेडों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछी हुई है, तो इनकेस देर से नहीं, हमारे पास 250 सिलेंडर फिल्ड है, इनकेस देर से हम लोग 24/7 चलाते हैं आजकल ये हमारा ऑक्सीजन थ्रू पाइपलाइन। तो अगर ये यहाँ पर जैसे जैसे खाली होते हैं तो यहाँ हमारे पास और उधमपुर में ही है ग्लोबल गैस एजेंसी जहाँ से हम रिफ़िल करते हैं, तो साथ साथ रिफ़िलिंग हो रही है। फिलहाल के लिए तो हम लोग बिल्कुल पर्याप्त है, और साथ में हमारे पास जनरेटर भी बन रहा है, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी चल रहा है। तो 1 महीने का 1.5 महीने का मैडम DC मैम अभी आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक बहुत जोर डाला हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स पर कि इस टाइम हमारा ऑक्सीजन प्लांट बहुत चाहिए चाहिए। तो अगर ये हमारा ऑक्सीजन प्लांट बनता है यहाँ पर तो फिर हमें कोई इशू नहीं होगा, 1 महीने के बाद हम लोग सफिशेंट होंगे ऑक्सीजन के लिए। बाक़ी जो लॉजिस्टिक्स है उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन सामान हमने रखा है, तैयार है हम लोग, अगर कोई ऐसी दुविधा आएगी तो हम जितना हम एज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। ऐसा है कि अगर हमारे पास बेड्स भी है ऑक्सीजन भी है, मगर एक लिमिट होता है, हर चीज़ का लिमिट होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में दिन के 67,000 पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उतनी कैपेसिटी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 को हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या,
हम कैसे फिर मैनेज कर पाएंगे सबको, उसके लिए हम पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट कोई कहीं तैयार नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोगों को अभी से अपील करता हूँ कि इन चीज़ों से पहले ही आप थोड़ा खबरदार रहिए, क्योंकि अगर हम बचेंगे तभी हम नए साल का सूरज देख पाएंगे। उसके लिए आपको जो भी इसके एहतियात है वो बरतने होंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ ग्रुपिंग हो, जहाँ लोग जमा हो वहाँ नहीं जाना, जहाँ गैदरिंग हो वहाँ नहीं जाना, और दूसरा मास्क लगा के हमेशा रहिए, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग, और चौथा हैंड वॉशिंग जो है या सैनिटाइजर से या बार बार हाथ धोइए। अपने आप को सेफ रखिए, घरों में रहिए, मत निकलिए घर से बाहर। जब ज़रूरी कोई काम होगा वो तब जाइए, नहीं तो कोशिश करिए घरों में बैठे, और यही एक ज़रूरी है, अदरवाइज फिर हेल्थ डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।